हेलो सन मून एंड राइजिंग टॉरस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स ही हाल से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है। करंट फीलिंग्स तो नहीं, ये यू विज देम रीडिंग है। आपकी भी होंगी इसमें फीलिंग्स और आपके पार्टनर की भी होंगी, और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आपसे पूर्ण मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके पार्टनर की और आपकी फीलिंग्स। पहले मैं लूँगी टॉरस के लिए, उसके बाद टॉरस के पर्सन के लिए कार्ड। यू इज देम, ओके। अंडरनीथ आपके पास है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली आप दोनों पूरी उम्मीद है इस रिलेशनशिप के लिए, आप भी और आपके पार्टनर भी। आप जो हैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, हैप्पी इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं अपने पार्टनर से, और आप चाहते हैं हैप्पी फुलफिल्ड लाइफ। और यहाँ पे भी 10 है, तो आपके पार्टनर भी, आप दोनों के लिए 10 का कार्ड है। तो यस, आप भी इमोशनली हैप्पी हैं और आपके पार्टनर भी फील करें कि वो स्टेबल हैं अपनी लाइफ में। सो दोनों के लिए ही अच्छे कार्ड्स आए हैं और दोनों ही हैप्पी हैं। या तो आप लोग अगर ऑलरेडी मैरिड नहीं हैं, या तो ऑलरेडी मैरिड और हैप्पी टाइम आप लोगों का गुजर रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो यहाँ पर मैरिज और सेलिब्रेशन का टाइम है। सो लेट्स सी व्हाई दिस 10 ऑफ कप इज हियर फॉर टॉरस। इन दोनों कार्ड्स के बाद तो कोई कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी व्हाई दिस 10 ऑफ कप इज हियर फॉर टॉरस, व्हाई दिस 10 ऑफ कप इज हियर फॉर टॉरस। कुछ लोगों के लिए तो मुझे मैरिज लग रही है कि आप लोग मैरिज मैरिज हो रही है आप लोगों की। पेज ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, तो यहाँ पे बहुत इंतज़ार के बाद, बहुत टाइम के बाद आपका रिकन्सिलिएशन हुआ है आपके पार्टनर के साथ, और आप बहुत हैप्पी हैं। और या तो आपके पार्टनर ने दोबारा से आपको ऑफ़र करी है रिलेशनशिप की, या फिर ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, पास्ट पर्सन भी हो सकता है। मुझे यहाँ पर रिकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है, बहुत टाइम के बाद डिवाइन टाइमिंग जो है वो आपके लिए वर्क करी है। आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो रहा है, और यहाँ पे आपके पास आपको पार्टनर की तरफ से अपॉलोजी भी मिली है, या फिर आपने अपने पार्टनर को फॉरगिव किया है या फॉरगिवनेस ली है, जिसके बाद आपका एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है इस रिलेशनशिप में, जो कि बहुत हैप्पी फुलफिल्ड है, और आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हुआ है। यस, पास्ट का जो हर्ट्स था वहाँ से एक न्यू बिगनिंग हुई है रिलेशनशिप में, इमोशनल न्यू बिगनिंग आफ्टर दिस थ्री ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप दोनों में ब्रेकअप सिचुएशन चल रही थी, लेकिन अब वो थर्ड पार्टी जो है वो टोटली ख़त्म तो नहीं हुई है, बट यहाँ पर ये है कि आपके साथ आपके पार्टनर का न्यू बिगनिंग हो रहा है। थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली भी हो सकती है, आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो पास के हर्ट्स थे उनको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग और एक न्यू स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। तो आपके पार्टनर के लिए भी यहाँ पे फूल कार्ड, इट्स मीन कि आपके पार्टनर नए सिरे से सिचुएशन को शुरू कर रहे हैं, ज़िंदगी को शुरू कर रहे हैं आपके साथ। देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग फॉर बोथ ऑफ यू। सो लेट्स सी कि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है फॉर ए टॉरस पर्सन। टॉरस के पार्टनर के लिए यहाँ पे फूल कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है, व्हाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल इज हियर। टू ऑफ कप्स, तो यहाँ पे यस, वो आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड फील कर रहे हैं, आपके साथ हैप्पी फील कर रहे हैं, हैप्पी फीलिंग्स हैं आपकी। ओके, तो यहाँ पे एंडिंग हो चुकी है, यहाँ पे एक और दफ़ा 10 आ चुका है, तो किसी चीज़ की एंडिंग हुई है, एक हैप्पी मोमेंट स्टार्ट करने के लिए आपने जो पास के हर्ट्स थे उनको एंड किया है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा विजडम से काम लिया इस सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा वरिड थे, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से था, तो थर्ड पार्टी जो हो सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में हो, और वो उस थर्ड पार्टी में बहुत जगल कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है कि वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे और इस थर्ड पार्टी से निकलेंगे, जिसमें वो बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। यस, आपके पार्टनर स्टेबिलिटी चाहते हैं और आप भी इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं अपने पार्टनर से, और आपके पार्टनर भी स्टेबिलिटी चाहते हैं,
लेकिन वो जगल कर रहे हो सकता है, स्टिल वो जगल कर रहे हो कि किस किस किसको उनको कमिटमेंट देनी चाहिए, लेकिन वो यही सोच विचार में हैं कि उन्हें किसके साथ करनी चाहिए कमिटमेंट। और ये जो है वो आपके साथ न्यू स्टार्ट लेने के हवाले से सोचूं, क्योंकि आपके साथ उनका बॉन्ड है, इमोशनल बॉन्ड है। सो यस, लेट्स सी के एडवाइजेस क्या हैं फॉर यू टॉरस, के टॉरस के लिए यहाँ पे क्या एडवाइजेस हैं। ट्रस्ट दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। अगर आप अपने पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं और आपको पता है थर्ड पार्टी का, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, तो आपको ट्रस्ट रखना चाहिए, क्योंकि आपके हक में ही फैसला आ सकता है। प्लेफुलनेस टू टू कैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल सेल्फ टू फन एंड शाइन। तो अपने आप को रोना धोना करके जो है अपने आप को डल ना करें, अपनी एनर्जी को लो ना करें, क्योंकि आप मुझे लगता है कि अपने आप को बिल्कुल भी लो नहीं करें, अपने आप को प्लेफुलनेस में रखा हुआ है आपने, ताकि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। वेडिंग दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, तो यस आपको मैरिज और कमिटमेंट उस पर्सन की तरफ से मिल सकती है। न्यू लव, द न्यू पर्सन हैज स्टार्टेड रोमांटिक फीलिंग्स, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी कोई नया पर्सन आना चाहता है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो यहाँ पे आपको रिलीज योर एक्स, तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि शायद आपके पार्टनर जो हैं वो जिनके जिनका आप वेट कर रहे हैं, हो सकता है वो किसी और के साथ कमिटेड हो गए हैं और वहाँ पे वो खुश नहीं हैं, लेकिन वो आपके पास भी आना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको ये ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें आपको रेड फ्लैग की तरह लग रही हैं कि आपके पार्टनर अब वापस आपके पास नहीं आएंगे, तो आपको जो है अपनी रिलेशनशिप में अपने एक्स को रिलीज़ करके न्यू लव की तरफ बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके उस पर्सन के साथ है जिसके साथ आप चाहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपको लगता है कि आपके पार्टनर वापस आपके पास आएंगे, तो यू नीड टू वेट। यस, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्थ इन योर लव लाइफ। तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आपके लव लाइफ में वर्क कर रही है, अगर आप उसका वेट करना चाहते हैं उस पर्सन का, और अगर वो मैरिड नहीं है किसी और से और जिस कोई थर्ड पर्सन है, तो आप वेट कर सकते हैं। सो लेट सी कि इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट इन दिस रिलेशनशिप। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट इन दिस रिलेशनशिप। क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, कोई ना कोई क्लैरिटी आपको ज़रूर मिल जाएगी कि आपको मूव ऑन करना है या कंटिन्यू करना है। यस, डिवाइन टाइमिंग जो है वो आपके लिए आपके फेवर में काम कर रही है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जगलिंग है, आपके साथ भी जगलिंग हो सकती है, उनके साथ भी जगलिंग हो सकती है। तो पहले कोई जगलिंग उस कंफ्यूजन से बाहर निकलेगा, या तो आप या फिर आपके पार्टनर, देन कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, चीटिंग, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं अगर आपको हैं अपने पार्टनर पर, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, न्यू लव की तरफ जा सकते हैं। सो यहाँ पे स्टिल जगलिंग और ये सब रहेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको कंफ्यूजन रहेगी। लाइक आपके पार्टनर अगर किसी थर्ड पर्सन में जगल करें, तो यू नीड टू वेट फॉर सम वेट हेयर। अगर आपको लगता है कि आपको इस चीज़ से बाहर निकल जाना चाहिए, तो आप किसी नए पर्सन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यस, यू कैन कम आउट फ्रॉम दिस, बिकॉज आपको लगेगा कि शायद ये रिलेशनशिप जो है वो लॉस हो चुका है, और आपको मूव ऑन करना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो यस, इट विल गिव यू डिसअपॉइंटमेंट, एंड यू विल मेक योर डिसीजन टू मूव ऑन, टू कम आउट फ्रॉम दिस वेटिंग पीरियड। तो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।